students, I am Dadi Zakir, and this is your physics channel Yellow Information. So dear students, last time humne padha tha branches of physics ke bare mein. Aaj hum padhenge physical quantity ko. Ki what is physical quantity? So dear students, physical quantity ka matlab hai those quantities which can be measured. Physical quantity ka matlab hai un miqdaare yani wo cheeze jinka hum peimaish kar sakte hain, wo cheeze jo hum naap kar sakte hain, ise hum kehte hain physical quantity. So dear student, इस चैप्टर का नाम भी है मेजरमेंट. सो इस चैप्टर में हमारा सारा मिशन क्या होगा, पैमाइश होगा. हम सिर्फ पैमाइश के बारे में पढ़ेंगे कि पैमाइश के लिए हम कौन कौन से आलात इस्तेमाल करते हैं और हम मुख्तलिफ चीज़ों के पैमाइश कैसे कर सकते हैं और इनके लिए हम क्या आलात इस्तेमाल करते हैं. सो डियर स्टूडेंट, दोज क्वालिटीज विच कैन बी मेजर, वो मिकदारें जिनको हम नाप सकते हैं, जिनका हम पैमाइश कर सकते हैं, ऐसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. सो डियर स्टूडेंट, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन दिस यूनिवर्स इन दिस वर्ल्ड. जो भी चीज आप लोगों को नजर आता है या आप देख सकते हो, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है. फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, length of this boat, mass of an object, mass, मेरा mass, आपका mass, ये भी एक physical quantity है. या ऐसे चीजें जैसा कि speed of light, हम measure कर सकते हैं कि speed of light is equal to 3 × 10⁸ meter per second. एक सेकंड में इतना फासला तय करता है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है. या आपको मालूम है कि हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इतना है और रोशनी जो सूरज से जमीन तक पहुंचती है ये 8.15 मिनट में पहुंचती है. सो बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के जहन में आता होगा कि ये फिजिकल क्वालिटी नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, अर्थक्वेक्स, जलजले, ये भी फिजिकल क्वालिटी है डियर स्टूडेंट. अर्थक्वेक्स ये भी एक फिजिकल क्वालिटी है. हम जलजले भी पैमाइश कर सकते हैं, जलजलों का भी हम पैमाइश कर सकते हैं. इनके लिए भी हम एक स्पेशल स्केल इस्तेमाल करते हैं इंशाल्लाह, और पढ़ेंगे जो ऐसे हम कहते हैं रिचर स्केल. एक आला इस्तेमाल होता है जलजलों की पैमाइश के लिए. सो डियर स्टूडेंट, हम फ्लड्स, जो सैलाबें आते हैं, जो तबाकियां आते हैं, इसे भी हम मेजर कर सकते हैं. फ्लड्स को भी हम मेजर कर सकते हैं. सो फिजिकल क्वालिटी आर दोस व्हिच कैन बी मेजर, वो क्वालिटी जिनका हम पैमाइश कर सकते हैं, वो सब क्या है, सब के सब फिजिकल क्वालिटी है. सो डियर स्टूडेंट, इसे नोट करें. आप लोगों के जहन में एक सवाल आता होगा कि सर, हम जलजले भी नाप सकते हैं, सैलाबें भी नाप सकते हैं, प्रेशर भी नाप सकते हैं, टेम्परेचर भी नाप सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट, आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि सर, ऐसा भी कोई चीज है कि जिसे हम नहीं नाप सकते. हाँ है, लेकिन इसे हम फिजिक्स में नहीं स्टडी करते. सो लेट्स स्टडी इट. नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो चीजें जिन्हें हम नहीं नाप कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, नॉन फिजिकल क्वांटिटी में हम क्या लेते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी में हम लेते हैं फीलिंग्स
Number second, our emotions, our hate, our love, ये ऐसी चीजें हैं जिसका हम फरमाइश नहीं कर सकते कि आप किसी शख्स से कितना प्यार करते हो या कितना नफरत करते हो या उसका फीलिंग क्या है, उसका इमोशन क्या है. So dear student, ये वो क्वांटिटी है, ये वो चीजें हैं जिसे हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, लेकिन इसे हम फिजिक्स में नहीं स्टडी करते, इसे हम सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं. किस चीज में? सोशियोलॉजी में एंड साइकोलॉजी में इसे हम स्टडी करते हैं. किस चीज में? सोशियोलॉजी में और साइकोलॉजी में इन चीजों को हम स्टडी करते हैं. So dear student, it is about physical quality and non-physical quality. So hope you understand, note it. Now let's come toward, dear student, now let's come toward hum aapke nisab mein class 9 ke level ke liye hum physical quality ko do hisson mein taqseem karte hain. Inke do types hum lete hain. Physical quality are of two types. Number one is base physical quantity. Base physical quantity and number two, derived physical quantity. Derived physical quantity. बेस फिजिकल क्वालिटी को हम बुनियादी तबी मिकदार कहते हैं, बुनियादी बेस फिजिकल क्वांटिटी. और डायरेक्ट को हम कहते हैं माहूज, जो किसी चीज से अहस किया हो. सो डियर स्टूडेंट, व्हाट आर बेस फिजिकल क्वालिटी? बेस फिजिकल क्वालिटी का क्या मतलब है? व्हाट आर बेस फिजिकल क्वालिटी? नंबर वन, बेस फिजिकल क्वालिटी आर इंडिपेंडेंट. बेस फिजिकल क्वालिटी आर क्या? Best physical quantity are independent. मैंने इसे शॉर्ट लिखा है, आप लोगों को पेपर में ऐसा नहीं लिखना चाहिए. Best physical quantity are independent. सर क्या मतलब है इसका? इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट का मतलब है जो किसी पर इंहसार नहीं करता. क्या मतलब? मतलब ये है कि बेस फिजिकल क्वालिटी किसी से हासिल नहीं हो सकता. ये ऐसे मिकदार हैं जो इंडिपेंडेंट है, जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी पे इंहसार नहीं करता. सो दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट. नेक्स्ट, बेस फिजिकल क्वालिटी, बेस फिजिकल क्वालिटीज गिव्स अस अदर quantities, other quantities. ये हमें दूसरे मिकदार देगा, कब देगा? जब ये अपने आपस में विन विन बेस फिजिकल क्वांटिटी आर मल्टीप्लाइड आर डिवाइड आर divide. It gives us other quantities. Dear student, note it. मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि जब physical quantity दो या दो से ज्यादा अपने आपस में ज़र्ब हो जाते हैं या अपने आपस में तकसीम हो जाते हैं, तो ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा दूसरे मकदार या दूसरी quantities. मैंने लिखा है सिर्फ क्या? मैंने लिखा है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, नॉट फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये नहीं होता. सो डियर स्टूडेंट, मैं इसे मिटाता हूं, बाद में लिखता हूं. बेस फिजिकल क्वालिटीज आर दोस व्हेन दे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट गिव्स अस अदर क्वालिटी. नेक्स्ट, बेस फिजिकल क्वालिटी are fixed. Sorry, base physical quality are seven in number. Base physical quality number में सात हैं. कितने हैं? सात हैं. Number one, length,
Number two, mass. Number third, time. Number four, electric current. Number five, temperature. Number six, luminous intensity. Number seven, amount of substance. So dear student, ये जो सात क्वांटिटीज के नाम मैंने लिखे हैं, ये सात क्वांटिटी क्या है? They are independent. Next, ये सात क्वांटिटी जब अपने आपस में जरब हो जाते हैं या तकसीम हो जाते हैं, ये हमें दूसरी क्वांटिटी देते हैं। ये सात क्वांटिटी खुद किसी से हासिल नहीं हुए हैं, they are independent, ये independent है। So, hope you people understand. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम जाते हैं, व्हाट आर डिराइव्ड फिजिकल क्वालिटी। सो होप यू पीपल अंडरस्टैंड, नोट दिस, व्हाट आर डिराइव्ड फिजिकल क्वालिटी। Derived physical quality. Dear student, derived physical quality as clear by its name, इसके नाम से भी जाहिर होता है कि ये वो मिकदार है जो महूस मिकदार है, जो हम दूसरे मिकदारों से हासिल करते हैं। So number first, derived physical quantities are dependent quantity. ये हम दूसरे से हासिल करते हैं, ये दूसरे पे इंहिसार करता है। Derived physical quantities. ये हम किस चीज से हासिल करते हैं? ये हम base physical quantity के multiplication और division से हासिल करते हैं, इसलिए तो हम इसे derived कहते हैं। क्या कहते हैं? Derived कहते हैं। For example, area क्या है? area length और width से आया है, और length भी क्या है? base है, और ये भी base है। इसका unit के बारे में हम अगले lecture में पढ़ेंगे। इसका unit भी meter है, ये भी base है, ये भी base physical quality है। जब ये दोनों आपस में multiply हो जाते हैं, तो हमें क्या देता है? derived देता है। क्या quantity? कौन सा quantity देता है? derived quantity देता है। बहुत से ज़्यादा example है। For example, force, pressure, टेम्परेचर एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट, मैं एक आसान सा तरीका बताता हूं। बेस फिजिकल क्वालिटी आर सेवन इन नंबर। इन सात क्वांटिटी के अलावा जो भी क्वांटिटी हो वो क्या होगा? वो डिराइव्ड होगा। क्या होगा? डिराइव्ड होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद क्वेश्चन में आता है कि व्हाट आर फिजिकल क्वालिटी एंड व्हाट आर बेस्ट फिजिकल क्वालिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वालिटी। अक्सर क्वेश्चन ऐसा आता है, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, मास, प्रेशर, एरिया, टाइम, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, फोर्स। इनमें बेस फिजिकल क्वांटिटी को अलग लिखें और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को अलग लिखें। पेपर में क्वेश्चन इसी तरह भी आ सकता है कि आप लोगों को बहुत से क्वांटिटीज दिए होंगे,
इनमें आप लोगों को बेस पीस की क्वालिटी को अलग करना होगा और डिनर पीस की क्वालिटी को अलग करना होगा। सो आपके जहन में अगर आपको और सात क्वालिटी याद हो, सात क्वालिटी याद हो जो बेस है, सो यू कैन डिफरेंशिएट अमंग दीस वेरी इजीली। सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए जरूर टच में रहना, क्योंकि वो टॉपिक इससे बहुत रिलेटेड है। सो डियर स्टूडेंट, होप यू पीपल एंजॉय। सो वॉच एंड लर्न, कीप इन टच। Thank you so much.